अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, मोमोज़ की रेसिपी। ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने वाली रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करना और फुल वीडियो देखिए मेरी लास्ट तक। तो ये वीडियो बहुत अच्छी है और बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने इसके साथ चटनी भी बनाई है और ये देखिए हमारा मोमोज़। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए हमें पहले उसका डो तैयार करना होता है। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे मैदा और उसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक। आप यहाँ पे थोड़ा सा तेल भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने तेल यहाँ पे स्किप किया है। और हमें नमक और मैदे को अच्छे से पहले हाथ से मिला लेना है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा गूंदना शुरू करूँगी। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, इसे बहुत ज़्यादा मुलायम भी हमें नहीं करना है। तो इसे मैं अच्छे से गूंद लेना है हमें। तो यहाँ पे मैदे को मैं अच्छे से गूंद के इसे रख दूंगी 10 मिनट सेट होने के लिए। ये देखिए हमारा मैदा गूंद के हो चुका है। इसे अच्छे से हमें गूंद लेना है। जितना मैं आपको बता रही हूँ हमें इतना मुलायम डो को तैयार करना है। तो चलिए मैं 10 मिनट इसे कवर करके रख दूंगी सेट होने के लिए अच्छे से। उसके बाद हम इसके लिए मोमोज के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ मैं स्टफिंग के लिए यहाँ मैं लूँगी चिकन। चिकन को मैंने मिक्सी जार में अच्छे से इसे बारीक पीस लिया है, क्योंकि मैं यहाँ स्टीम दूँगी। इसके लिए हमें चिकन एकदम बारीक चाहिए होता है। और यहाँ मैं लूँगी पत्ता गोभी, इसे मैंने बारीक कट कर लिया है एक कटोरी। और यहाँ मैंने बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ली है। यहाँ मैंने कुछ हरी मिर्च और लहसुन लिया है मैंने। इसे मैं बारीक कट करके इसमें ऐड कर दूँगी। आप इसमें अपने पसंद के हिसाब से अपने वेजेस डाल सकते हो। यहाँ मैंने लिया है गाजर बारीक कटा हुआ। ये मैंने हरी धनिया की पत्ती कुछ लिए है। और आप इसमें अनियन भी डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पे अनियन नहीं डाला है। और ये मैंने लिया है ब्लैक पेपर पाउडर ज़रा सा। अब मैं लूँगी इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा हमें नहीं लेना है, क्योंकि मैंने डो में भी नमक मिलाया। और हमें यहाँ पे डार्क सोया सॉस का मैं यूज़ करूँगी, जिसमें नमक होता है। तो चलिए यहाँ मैं लूँगी 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पे डार्क सोया सॉस लिया है। और अब मुझे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे चम्मच से मिला रही हूँ, जबकि हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो चलिए मैं आपको मिक्स करके बताती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने मोमोज़ के स्टफिंग के लिए मैंने कीमा को रेडी कर लिया है। तो चलिए हम अपने डो को तैयार चेक करते हैं, जो मैंने पहले से तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा मैदा जो मैंने गूंद के रखा था वो बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और हाथ से मैश करेंगे, ताकि ये खूब अच्छा देखिए इस तरीके से हमें कर लेना है। तो चलिए अब हम इसकी लोई बनाते हैं। तो लोई बनाने के लिए यहाँ मैंने पहले एक सिलौटे पे इसको अच्छे से मैंने दो हिस्से में कर लिया है। अब हम पहले आधा लेके इसको, जैसे हम लोई बनाते हैं रोटी की, पहले उस तरीके से हमें इस तरीके से अपना अच्छे से मिला लेना है, ताकि जो भी कसर रह गई वो इसको अब मिला के हो जाए पूरी। तो चलिए अब हम इस तरीके से इसको एक लंबा सा तैयार करेंगे, आप देखते रहो। तो इसको इस तरीके से हमें बनाने में ना क्या होता है, हमारी लोई जो है वो एक साइज़ की बनती है। हमें इसे चाकू से कट कर लेना है इस तरीके से लंबी लोई बना के। ये देखिए अब हम इसे लोई छोटी छोटी लोई बना लेंगे, इससे जो है हमें साइज़ परफेक्ट मिलती है। तो चलिए यहाँ पे लोई तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा सा सूखा मैदा जो मैंने साइड में रखा हुआ है उसे डालूँगी इसके ऊपर, ताकि हमारी रोटी अच्छे से बेल जाए। तो चलिए अब मैं इसे बेल के बताती हूँ आपको कितनी बड़ी हमें बनाना है। हमें इतनी पतली करना है ताकि हमारी रोटी जो है वो ट्रांसपेरेंट टाइप की हो जाए। जितना पतला रहेगी हमारी रोटी, उतनी अच्छा हमारा मोमोज तैयार होएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने कीमे को कच्चा लिया है, मैंने अलग से तला वाला नहीं है। इसके लिए जो है हमें रोटी इतनी पतली बनानी है कि स्टीम में हमारा कीमा अच्छे से कुक हो जाए। तो चलिए ये देखिए इस तरीके से हमें साइज़ जो है रखना है इतना बड़ा। इसी तरीके से मैं अपनी सारी जो मैंने लोई बना के रखा है सारी रोटी को अच्छे से बेल लूँगी। ये देखिए इतनी पतली हमें रखनी है। तो यहाँ पे मैं सारी रोटी को अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा हो गया है। अब मैं चलती हूँ इसके
ये देखिए हमें स्टफिंग के लिए, अब मैं आपको बताती हूँ। तो इसके बीच में मैं पहले कीमे को रखूँगी, चिकन का कीमा जो मैंने रेडी किया था, और शेप आप देखते रहो मैं कैसे कैसे बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 शेप मोमोज़ का बताऊँगी। और अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए हम तब तक देखते हैं किस किस शेप में मैंने मोमोज़ बनाया है। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने मोमोज़ को 5 डिज़ाइन में तैयार किया है, और एक बर्तन में मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था, और उसके ऊपर मैंने एक झन्ना रख दिया था। तो चलिए इस तरीके से हमें मोमोज़ को इसके ऊपर रख देना है, और झन्ने को मैं कवर कर दूँगी। कवर करके हमें 10 से 15 मिनट तक पका लेना है ताकि हमारा मोमोज़ अच्छे से कुक हो जाए। और अगर आपके पास इडली का बर्तन है तो आप उसमें भी मोमोज़ को तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे 10 से 12 मिनट के बाद मैंने मोमोज़ को चेक किया है, तो हमारा यहाँ पे मोमोज़ हो चुका है रेडी। ये देखिए बहुत अच्छा रेडी हुआ है। तो चलिए ये देखिए हमारा मोमोज़ रेडी है, ये बहुत अच्छा बना है। ये देखिए पूरा अच्छे से कुक हुआ है, और इसके साथ मैंने बनाई है यहाँ पे लाल चटनी मोमोज़ की, बहुत टेस्टी है ये भी। तो चलिए अब मैं खा के आपको बताती हूँ ये कैसा बना है। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो को शेयर करो। तो चलिए अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसा है, और पहले मैं इसको दिखाऊँ आपको, अंदर से पूरा कुक हो चुका है ये। ये देखिए ये बहुत अच्छा तैयार हुआ है, और मोमोज़ के साथ ये चटनी बहुत 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 टेस्टी लगती है। इसे भी मैंने घर पर बनाया है। तो चलिए जब तक मैं मोमोज़ खा रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।